दोस्तों, स्वागत है आपका FF चैनल में, यानी फिटनेस एंड फार्मर चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताना चाहेंगे कि अनार की खेती कैसी उगाई जाती है। पिछले 2 साल से हमने ये झाड़ लगाया है, लेकिन काफ़ी अरसे में ये झाड़ फूल देता है और फूल झड़ जाता है। इसकी वजह से इस साल हमने ये झाड़ को अच्छी सी खाद, अच्छी सी देखभाल की है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं फूल जाने के बाद भी छोटे छोटे से अनार लग रहे हैं। कई मरतबे हमने पानी दिया लेकिन छोड़ दिया, इसकी वजह से फूल झड़ जाया करता था। अब हमने इस बारी में वो मौका गंवाने की कोशिश ना की जिसमें हम अनार खा सके ये साल। और हमने अनार के बीज झाड़ों पर अच्छा सा खाद बोया है, दवाई डाली है ये साल। इसकी वजह से ये झाड़ कई मरतबे तो फूल दिया था लेकिन फूल झड़ चुका था। और इस बारी में हम कोई मौका नहीं गंवाने के फिराक में थे कि ये बारी में अनार आएंगे हमको। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ये अनार के झाड़ के ताल्लुक से, आपको अनार बड़े होते ही आपको हम वीडियो में बताना चाहेंगे। और काफ़ी उम्मीदों के साथ हम हैं कि इसमें अनार लगेंगे, फूल नहीं जड़ेंगे। काफ़ी अच्छे अनार हो चुके हैं, इसमें फूल आ चुका है। छोटे छोटे अनार तो आप बन सक रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए अनार। और आपको झाड़ फेर कर काफ़ी अच्छी सिंचाई करना चाहिए, घास वगैरह निकाल कर डेली वाइज पानी देना चाहिए। और हर 20 दिन में एक बार जानवरों का खाद या पत्ती वगैरह और दवाई हो तो दवाई डाल सकते हैं। और आगे की वीडियो आपको मिलेगी हमारे नए वीडियो में। और वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।